हरी बोल हरी बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्रीमती राधा रानी की, बोल श्री कारे कन्हुआ की, निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभाधु ठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम बरसाना परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये साकिरी खोर है और ये स्थान का नाम है बरसाना है। क्या नाम है ये बरसाना? अभी सुन रहे इतना बरसाना मतलब क्या है? क्या चक्कर है? इसलिए ये बरसाना मतलब क्या है बोले जहाँ पर राधा रानी की प्रेम की बारिश जहाँ पर होती है वो बारिश में इतने तेज है जो परात पर तत्व जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो नायक भगवान कृष्ण भी जिनकी रंग में रंग जाती है, राधा जी की रंग में रंग जाती हैं। इसलिए जब हम आए हैं जो गली दे करके आए हैं उसका नाम भी रंगली गली। जहाँ पर राधा कृष्ण जहाँ पर होली खेला करते थे और राधा रानी अपना प्रेम रूपी रंग में श्री श्याम सुंदर को भी रंगा दिया करते थे इसलिए उस स्थान का नाम है रंगली गली। बोल रंगली गली की। इसका दूसरा अर्थ क्या है ये बरसाना? इसलिए आप जिस तरफ बैठे हुए हो ये ब्रह्माचल पर्वत है। बोले ये ब्रह्मा जी स्वयं ये पर्वत बन करके बैठे हुए। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी 60,000 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की श्री राधा रानी की। जब राधा रानी संतुष्ट हो गए बोले बेटा क्या चाहते हो बर मांगो, क्या चाहिए? बोले मैं बरसाना में मैं यहीं पर श्री पर्वत रूप में प्रकट लेकर के यहाँ पर जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ पर आपके मधुर से मधुर लीला हो, जिस लीलाओं को मैं आस्वादन कर सकूं, आपके चरण स्पर्श पा करके जैसे हमारे जीवन धन्य हो जाए। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में स्वयं ये ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथा आती है जिस समय ब्रह्मा जी कृष्ण का बछड़े और सखाओं को उन्होंने चुराया, पहले तो सोच रहे थे ये कोई साधारण कोई बालक है, लेकिन जब उन्होंने बछड़े सखाओं को चुराया, जिस समय कृष्ण स्वयं बछड़े और सखा बन गए और जिस समय ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना असली स्वरूप का दर्शन कराया, देखो मैं कौन हूँ, तो उन्होंने तो देखा एक ब्रह्मा जी की नाभि कमल से मेरा सृष्टि है, लेकिन यहाँ पर अनंत नारायण आप ब्रह्म स्तंभ, उन्होंने जितने बछड़े सखाओं को नारायण नारायण उन्होंने नारायण स्वरूप दर्शन किया, उनको पता चले गया कृष्ण कौन है। ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्ण। जब ये चीज को उनको पता चला ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं,
उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनने बहुत 40 ही श्लोकों में उन्होंने भगवान को उन्होंने स्तुति की, लेकिन देखा ठाकुर जी थोड़ी भी संतुष्ट नहीं हो रहे, वो तो अपना ग्वाल बाल के साथ में मस्ते हैं और सखा लोग कह रही है चौमुआ चौमुआ ये चार मुंह वाले कहाँ से आ गया। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा अभी तक तो कृष्ण के ऐश्वर्य को मैंने प्रकाश की, अभी कृष्ण का थोड़ा माधुर्य को थोड़ा वर्णना करते हुए देखता हूँ। जब उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति करते हैं, क्या स्तुति करते हैं, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जब उन्होंने बोले ये ब्रजवासियों ने ऐसे कौन सा उन्होंने पुण्य किया है जो स्वयं पूर्ण जो ब्रह्म जो सनातन अभी क्या कर रहे हैं, सखाओं का सखा बन करके झूठन खाते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी भगवान कृष्ण मैया की प्रेम में बसीभूत तो होकर के कभी कभी ये उखल में बंध भी जाते हैं, कभी कभी अगर मैया बोले लाला तुमने मखन चोरी की, कृष्ण डर से क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन। जहां पर स्वयं ब्रह्मा बन करके कहते मैया मैंने मक्खन नहीं खाई डर के मारे, मिट्टी खा लिए बोले मिट्टी खाए, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। इसलिए जहां पर भगवान हो करके रास रचाते समय जहां पर कृष्ण स्वयं ब्रज गोपियों को कहते हैं ब्रज गोपियां न पार अहम निरबद्ध संजुजाम, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के मैं कभी तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी बन ही नहीं सकता हूँ। अगर राधा रानी मान करते श्याम सुंदर जिनके चरण को नीचे मयूर मुकुट और उन्होंने बंसुरी को रख लेते हैं, कहते हे राधे आज तुमने इतने मान क्यों की, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। जहां पर परम ब्रह्म परात्पर तत्व जहां पर सेवक बन जाते हैं, जब उन्होंने कृष्ण को थोड़ा स्तुति की ना ब्रजवासियों को, कृष्ण तो मुस्कुरा दिए। फिर ब्रह्मा जी को पता चला भगवान का कमजोर कहाँ पर है, वो शिक्षा देते हैं मेरी सेवा से मेरी स्तुति से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे भक्तों का कोई स्तुति करे भक्तों की कोई सेवा करे तो उससे मैं ज़्यादा संतुष्ट होता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी तो बहुत अपना नाक रगड़े, लेकिन देखा कृष्ण पूर्ण रूप में कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए। अभी ब्रह्मा जी सोच रहे हैं भैया भगवान को संतुष्ट कैसे करूँ, हम संतुष्ट कैसे करूँ। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं, इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते बोले पिताजी आपने ये गोपी भाव प्राप्त करने के लिए क्यों प्रार्थना की, कारण किया है गोपी भाव प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी ये जो ब्रज गोपियां हैं ना ये कोई साधारण लड़की नहीं, ये कौन है, कहते ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर एव निज रूप कलातया भी। राधा रानी स्वयं श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए एक एक भाव को ही उन्होंने एक एक गोपी रूप में उन्होंने प्रकटित किया। ये आनंद चिन्मय रस की ये एक प्रतिभाविता ये मूर्ति ये ब्रज गोपियां। इसलिए ब्रह्मा जी जब देखा उनके मन में उन्होंने राधा रानी की चरण की सेवा की भावना प्रकट हुई, इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। देखो स्वयं ब्रह्मा जगत को जो सृष्टि करने वाले, यहाँ पर आप जिस पर्वत के ऊपर बैठे हुए हो ये पर्वत का नाम है ब्रह्माचल पर्वत, ये ब्रह्मा स्वयं ये पर्वत रूप में प्रकट हुए। इसलिए गुरु जी कहते थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उन्होंने चार वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन ये चार ही संप्रदाय में उन्होंने कौन सा संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया बताओ, हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए उन्होंने ये ब्रह्मा जी को पितामह ब्रह्मा जी को उन्होंने अपना संप्रदाय रूप में स्वीकार किया। बोले किस लिए, तो उन्होंने इनको क्यों स्वीकार किया, और तो तीन संप्रदाय था, लेकिन देखा ये ब्रह्मा जी के हृदय में राधा रानी की चरण की सेवा की वासना। इसलिए हम जो उतरेंगे ना आप देखोगे वहां पर ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली, और वहां पर देखना ब्रह्मा वहीं पर उन्होंने तपस्या किए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जगत में आकर के
जो उन्होंने अनर्पित चरिन चिरात करुणया बतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सोभक्ति श्रियम, उनने जो ब्रज प्रेम को विशेष करके राधा रानी की चरण की सेवा को जो महाप्रभु देने के लिए आए थे, देखा ये ब्रह्मा जी के हृदय में वो भाव विद्यमान है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए ये पर्वत का नाम ब्रह्माचल पर्वत है। और इधर जो पर्वत है कहिए भगवान विष्णु, ये विष्णु पर्वत है। आप बोलोगे भैया ठीक है, ब्रह्मा जी राधा जी की चरण की सेवा के लिए पर्वत रूप में प्रकट हुए, लेकिन यहाँ पर विष्णु क्यों पर्वत रूप में बरसा नाम है, ये विष्णु क्यों प्रकट हुए? इसको शंकर जी अनंत संहिता ग्रंथ में ये माता पार्वती को इसका रहस्य कहते हैं। बोले पार्वती, जिस समय पार्वती उन्होंने शंकर जी को पूछे, बोले प्रभु आप तो कृष्ण गोविंद राम नारायण अनंत अनेक बहुत सारे नाम कभी कभी बोलते हो, लेकिन ये कभी कभी आपने श्री गौर हरि सच्चिनंदन गौरांग कभी कभी आप ये नाम कभी 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 आप बोला करते हो, ये कौन है सच्चिनंदन गौर हरि महाप्रभु, ये है कौन? तब इतने बात सुन करके शंकर जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण आया, उन्होंने पार्वती को आलिंगन किया, पार्वती क्या तुमने सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न की चुके, तुम कौन हो? राधा जी की एक प्रकाश ही पार्वती है, इसलिए तुमने इतने सुंदर उन्होंने प्रश्न किया। तब उन्होंने महाप्रभु की महिमा व नवद्वीप धाम की उन्होंने कथा सुनाई। बोले एक समय श्री अनंत देव जी महाविष्णु को पास में गए, बोले आपका आशीर्वाद से मैंने समस्त धाम को दर्शन किया, लेकिन अभी तक श्री वृंदावन धाम में मेरा प्रवेश नहीं हुआ, वृंदावन दर्शन नहीं कर पाए। इतने में देखो ये महाविष्णु स्वयं कह रहे हैं, बोले तुम क्या बोल रहे हो? अगर कोई बोले कुत्ते का पूछ पकड़ करके समुद्र पार हो जाएगी, ये क्या संभव है क्या? बोले उसी तरह तुम कह रहे हो वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम को साधारण धाम मत समझो, यहाँ के जितने वृक्ष कल्प वृक्ष है, जितने पर्वत स्वयं ब्रह्मा शंकर जी स्वयं विष्णु बने हुए, यहाँ जितने कुंड है राधा कुंड श्याम कुंड स्वयं राधा कृष्ण बने हुए, प्रेम सरोवर में गए थे, प्रेम सरोवर नहीं, राधा जी की आंखों का आंसुओं से प्रेम को द्वारा द्रवीभूत होकर के ये कुंड बने, मानसी गंगा कोई साधारण नहीं, कृष्ण की मन से जो गंगा प्रकट हुई है, यहाँ साधारण मत समझो, ये वृंदावन धाम इतने दुर्लभ धाम है। कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदार बिंदम, जहां पर ब्रह्मा जी पर्वत रूप में प्रकट होते हैं, जहां पर विष्णु पर्वत रूप में, जहां पर लक्ष्मी अभी तक भी बेलवन में बैठ करके कठोर तपस्या कर रही हैं, ये वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, जहां पर स्वयं शंकर देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी जो सत्यम शिवम सुंदरम वो भी स्वयं दरवान का काम कर रहे हैं, जहां पर उद्धव जी तृण गुल्म औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं, और तुम चाहते वो धाम में प्रवेश करोगे? इतने संभव नहीं। विष्णु स्वयं कहते हैं भैया मैं भी अभी तक ये वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर पाया, ये महाविष्णु कहते हैं। अभी तो अनंत देव तो बड़े उदासी हो गए, बोले स्वयं महाविष्णु कहते मेरे भी प्रवेश नहीं हुआ, जहां ब्रह्मा शंकर जी फिर मैं कैसे प्रवेश करूंगा? तब महाविष्णु एक अच्छी बात कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनो क्या कहते हैं। बोले इसको पाने के लिए, प्रवेश करने के लिए बहुत एक सरल उपाय है। बोले क्या सरल उपाय है? अगर कोई श्री नवद्वीप धाम में परिक्रमा लगाने के लिए जाए, श्री नवद्वीप धाम को परिक्रमा करे, क्योंकि वही ब्रज प्रेम को देने के लिए कलयुग में कृष्ण स्वयं ये सच्चिनंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करेंगे। बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की। अगर वहां पर कोई जाए और वैष्णव की आनुगत्य में वो धाम को अगर कोई परिक्रमा करे और वो लीला स्थली में लौट पोट उठाए, इसलिए जिसको प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ए मन गौर बिना नाही आर, ए मन गौर बिना नाही आर, है ना बतार हवे की होए छे, हे न प्रेम पर चार ब्रह्मा बेरेंचेरा बांछित जे प्रेम
जगत फैलेला ढाली कांगले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली ए मन गौरवी ना नाही आर। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में इतने दयालु कोई नहीं। ब्रह्मा शंकर नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं महाप्रभु मुक्त हस्त से उनने अपामर दीन हीन कंगाल उनने कोई विचार नहीं करते हुए सबको वो दुर्लभ प्रेम उन्होंने सबको उन्होंने प्रदान किया। इसलिए नवद्वीप धाम को जाकर के परिक्रमा करने से महाप्रभु भक्तों का अनुगत करने से अपनी आप वो दुर्लभ प्रेम में राधा कृष्ण की निभृत निकुंज कुंज में अपनी आप आपको प्रवेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्वयं विष्णु भी यहाँ पर पर्वत रूप में बैठ करके स्वयं विष्णु भी देखो राधा कृष्ण की जो निकुंज सेवा की कितने महत्व है राधा रानी की चरण की सेवा की कितने महत्व है। जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा स्वयं शंकर जी स्वयं विष्णु भी पर्वत रूप में वहाँ पर प्रकट होकर के यहाँ पर भजन कर रहे हैं और हम तो साधारण जीव है लेकिन कैसे प्रवेश होगा महाप्रभु के अनुगत्य में। इसलिए जरूर आप लोग नवद्वीप परिक्रमा में आना अभी से टिकट बना दोगे ना आने जाने का अगर फ्लाइट टिकट बनाओगे तो बहुत कम पैसे में बन जाएगा 4-5 हज़ार रुपये में बन जाएगी इसलिए आने जाने का बन जाएगी। इसलिए अभी से टिकट बना दो और ये जो गली को आप दर्शन कर रहे हो ये गली का नाम साकिरी खोर है। साकिरी मतलब क्या पतली खोर मतलब होता है रास्ता आप लोग चलोगे ना कहते और एक स्वरूप उधर जो देखो राधा रानी जैसे गोरी है देखो वो पर्वत का रंग भी गौरी है। कृष्ण जैसे काले हैं देखो इधर कौन है इधर कृष्ण का जैसे पर्वत भी काले हैं माने ये राधा कृष्ण ही यहाँ पर पर्वत रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और जब ये रास्ता में चलोगे ना ये रास्ता इतने पतली रास्ता भी चलोगे ना एक व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति ये इधर चल ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कहते प्रेम गली अति साकिरी ताहे ना द्वय समाए कहते जो भगवान की जो भक्ति मार्ग ना बड़ी पतली है वहां पर दो नहीं चल सकते हो एक ही चल सकते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में जब सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया है हाँ कहते कौन सा उपदेश है कृष्ण की बोले सर्व गुहतम भय श्रेणु में परम बच है अर्जुन अभी तक मैंने तुमको गुह गुह तर और गुहतम बात बता चुका हूँ लेकिन चूंकि तुम मेरी सखा हो इसलिए सर्व गुहतम बात बता रहा हूँ। सर्व गुहतम बात क्या है बोले मन मना भव हाँ देखो इतनी सी बात अच्छे तरह सुन लो कहते मन और किसको नहीं देना है मन देना तो किसको देना मेरे को। मद भक्त भव अगर भक्त बनना तो ऐसे नहीं गौड़िया मठ में आ गए गुरु जी की शरण लिया भजन करते हैं लेकिन इसी देवता का मंदिर उसी देवी की मंदिर में उसी देवता का मंदिर में अभी भी भटक रहे नहीं। भगवान कहते माम जाजी पूजा करना तो केवल मुझे ही पूजा करो माम नमस्कुरु प्रणाम करना तो किसको करना है बोले केवल मुझे ही प्रणाम करना तो माम एससी तभी तू मेरे को प्राप्त कर सकते हो। अगर इधर उधर भागोगे ना भैया मैं तो ऑलरेडी पहले से ही टेढ़ा है हूँ हाँ 3 जगह से मैं टेढ़ा हूँ अगर तुम भी टेढ़े बनोगे मैं भी टेढ़ा बन जाऊंगा। अगर एक मन से अगर मेरे को भजन करोगे तभी तू मेरे को प्राप्त कर सकते हो। अगर इधर उधर भागते रहोगे तो जिंदगी भर तक तुम भागते रह जाओगे। इसलिए यहाँ पर इसलिए गली का नाम साकिरी खोर। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तब उनको अद्वैत आचार्य प्रश्न करते हैं बोले प्रभु आप ये घर बार क्यों छोड़े इतने सुंदरी पत्नी विष्णु प्रिया मैया इतने प्यारी हैं इतने सेवा करने वाले फिर आपको ये संन्यास लेने का क्या जरूरत होता था। महाप्रभु क्या कहते हैं बोले अद्वैत आचार्य जब तक ये संन्यास ग्रहण नहीं करते हैं ना तब तक ये कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं क्योंकि जब तक संसार में शादी करो तो आधा एनर्जी तो पत्नी को देना पड़ता है फिर 2-4 बच्चे हो गया ना फिर तो सारे प्रेम क्या हो गया बंटवारा हो गया फिर कृष्ण के लिए देने के लिए क्या रह गया तुम्हारे कुछ रह ही नहीं गया। इसलिए अगर कृष्ण प्रेम में दीवानी बनना कृष्ण प्रेम में अगर उन्माद बनना तो श्री सचिनंदन महाप्रभु जैसे दोनों हाथ उठा करके बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की एकदम कृष्ण प्रेम में तुमको पूरा के पूरा डूबना पड़ेगा तभी जाकर कृष्ण मिलेंगे नहीं तो कृष्ण मिलने वाले नहीं।
इसलिए ये जो रोड है, कहते भैया प्रेम की मार्ग में, भक्ति मार्ग में तुमको अकेला ही जाना पड़ेगा, दो व्यक्ति वहां जा नहीं सकते हो। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में यहीं पर उन्होंने गैया चराने के लिए आए थे, इसलिए ये वन का नाम है गह्वर वन। गह्वर मतलब क्या है? बोले गंभीर। बोले गंभीर क्या चीज है? बोले राधिका भाव गंभीर। जगत में अगर सबसे कोई गंभीर चीज हो तो श्री राधा रानी का कृष्ण का प्रति जो प्रेम है यही गंभीर है। ऐसे राधा रानी की प्रेम की गंभीर है, जहां पर परात्पर तत्व अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, जहां पर राधा रानी की इतने महिमा है। जब कृष्ण समस्त लीला करते हुए गोलोक वृंदावन चले गए, सोच रहे हैं मैंने जीवन में सारे चीज को मैंने आस्वादन की, लेकिन राधा रानी का भाव को मैंने आस्वादन नहीं कर पाई, राधा जी की प्रेम की कोई था नहीं पाए, इसलिए इतने गंभीर राधा जी के प्रेम में, इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव को अंगीकार करते हुए राधा रानी की प्रेम को आस्वादन करने के लिए स्वयं परात पर तत्व कलयुग में राधा भाव दूत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अंगकांति लेकर के श्री कृष्ण को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। इसलिए ये जो स्थान है इसका नाम गह्वर बन, और इतने गह्वर गंभीर स्थान है क्योंकि कृष्ण को अगर यहाँ पर आना है ना, कृष्ण कभी भी अपना रूप से यहाँ पर नहीं आए, कभी नहीं, क्योंकि राधा जी को साथ में तो शादी हुई नहीं, इसलिए उन्होंने कभी पाली हरणी, कभी माली हरणी, कभी श्रृंगार करने वाली अलग अलग रूप धारण करते हुए कृष्ण को यहाँ पर आना पड़ता था, भगवान को यहीं पर है। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में यहाँ पर आए, इतने सखाओं ने बोले कन्हैया पेट में चूहे कूद रहे, कुछ व्यवस्था कर। बोले चिंता क्यों कर, तो आ जाओ मेरे साथ में। कृष्ण यहीं पर खड़े हो गए। एक में इतने गोपी दूध दही की मटकी लेकर के आ रही थी, कृष्ण ये पहाड़ के ऊपर में चढ़े और उठाया एक पत्थर और मारे मटकी में, मटकी फूट गई, और इतने में वो गोपी तो पूरा दूध दही से ही स्नान कर ली, करके अकेले थी ना, और सखा लोग बहुत थे, लूटपाट करे खा लिए। इतने में वो गोपी करती है, क्या करती है? बोले मेरे नंद जू को लाला अलबेला, नंद जू के लाला अलबेला, मेरी मटकी में मार। कौन सा मटकी में? दूध दही ने दिल रूपी मटकी में है, उनका जो है उनको तीर है, अकेली जा रही थी और सखाओं को साथ में घेर करके सारे मेरे दूध दही खा लिए। राधा रानी बोले क्या, हमारी देश में हमारी गांव में आकर के है अपना बहादुर दिखाते हैं? बोले आज खा कर गए ना, मुंह में लगा होगा, कल भी आए बोलता ही हम वैसे करते। बोले इसने ये काले छोकरे ने इसे की? बोले हाँ। बोले पकड़ो इसको। इतने में लहंगा चुनरी उनको पहना दिए है, लहंगा चुनरी पहना दिए, सर पर मटकी रखी, उनको एक गोपी बना दी, गोपी बना करके कहा परात पर तो परम ब्रह्म है। बोले जिनकी एक इशारा पर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए, लेकिन आज कैसे ब्रज गोपियों को चक्कर में पड़ करके भगवान को करना। वंशा कल कृपा सिंधु भय बच पतितानंग पावन भो